फरात के किनारे वो जंग हो रही होगी या हो चुकी होगी कि जिसमें हर 1000 में से 999 मारे जाएंगे। तुर्की हमारे हाथ से जा चुका होगा, हिजाज मुकद्दस के अंदर जो है ना वो वीरानी की सूरत हाल होगी, अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। यमन हमारे हाथ से पहले जा चुका है, इराक हमारे हाथ से पहले जा चुका है, शाम हमारे हाथ में वैसे ही नहीं है, लीबिया हमारे हाथ से जा चुका है, मिस्र में प्रो इसराइल गवर्नमेंट है, तो जो बचे कुछ इलाके रह गए हैं वो भी जा चुके होंगे। तो मुसलमान अगर कहीं बाकी होंगे तो वो मुट्ठी भर महदूद चंद मुसलमान पाकिस्तान में होंगे। और अगर अवैस भाई, जैसा कि आपका टॉपिक आखरो जमा है और इसमें ज़्यादातर आप फोकस जो है वो आखरो जमा में पाकिस्तान के खत्ते पर ज़्यादा करते हैं, गज़वा हिंद के मुतलिक जैसे हमें हदीस पाक और दीगर चीज़ों से मालूमात मिलती है, तो वहीं एक बहुत ही अहम शख्सियत, रूहानी शख्सियत नेमतुल्ला शाहवली की प्रेडिक्शंस भी मिलती हैं। और उनकी प्रेडिक्शंस में ये है कि पाकिस्तान यानी गज़वा हिंद से कबल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा होता है और फिर अटक का दरिया जो है वो सुर्ख होता है खून से भरकर। तो ये कैसे मुमकिन है कि अटक तो बहुत आगे है पाकिस्तान में, तो इंडिया इतना कैसे आ जाएगा अंदर? मैं कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा नेमतुल्ला शाहवली की प्रेडिक्शंस के बारे में, गालिबन इस तरह की कोई चीज़ उसमें मौजूद है कि जो है वो अटक का दरिया जो है वो काफिरों के खून से भरेगा और इस तरह का मामला। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि गज़वा हिंद जब होगा तो पाकिस्तान को 10% से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान को 10% से ज़्यादा नुकसान पहुंच गया तो वो तो जंग हारने वाली बात होगी। यानी पाकिस्तान को जो तकलीफ़ मुसलमानों को दुश्मन ने पहुंचानी थी वो तो उन्होंने पहुंचा ली, उसके बाद चाहे पाकिस्तान को पता भी हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को गज़वा हिंद में 10% से ज़्यादा नुकसान हो पाएगा, बल्कि इससे भी कहीं कम होगा। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह अता फरमाएगा। अटक तक मामला पहुंचता है या नहीं पहुंचता, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाए। अगर वो मशरक की जानिब से चलते हैं और अटक तक आ जाते हैं फिर तो सारा पाकिस्तान ही उन्होंने एक तरह से ऑलमोस्ट फतह कर लिया। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे और अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला वो पाकिस्तान की गली कूचों तक जंग ना पहुँचे, बॉर्डर्स तक ही इसको मैनेज कर लिया जाए, बल्कि हम उनके अंदर घुसेंगे ना कि वो हमारे अंदर आए। हम इंशाल्लाह उनके अंदर ही नहीं घुसेंगे, इंशाल्लाह उनके दूसरे बॉर्डर से भी पार हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रहेगी, इंडिया से बियॉन्ड पार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएगा। बाकी ये बात है समझने की है कि जो गज़वा हिंद है वो गज़वा हिंद ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वॉर है कि जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गज़वा बदर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह ये चंद साथी हैं मेरे पास, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, अगर ये ख़त्म हो गए तो तेरे दीन का नाम लेने वाला इस ज़मीन के ऊपर कोई नहीं रहेगा। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई थी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी मदद फरमाई। यही मामला गज़वा हिंद का भी होगा कि उससे पहले मिडल ईस्ट मुसलमानों के हाथ से जा चुका होगा, मुसलमानों का सफाया हो चुका होगा, वहाँ पे फरात के किनारे वो जंग हो रही होगी या हो चुकी होगी कि जिसमें हर 1000 में से 999 मारे जाएंगे। तुर्की हमारे हाथ से जा चुका होगा, हिजाज मुकद्दस के अंदर जो है ना वो वीरानी की सूरत हाल होगी, अल्लाह ताला महफूज रखे। यमन हमारे हाथ से पहले जा चुका है, इराक हमारे हाथ से पहले जा चुका है, शाम हमारे हाथ में वैसे ही नहीं है, लीबिया हमारे हाथ से जा चुका है, मिस्र में प्रो इसराइल गवर्नमेंट है, तो जो बचे कुछ इलाके रह गए हैं वो भी जा चुके होंगे,
तो मुसलमान अगर कहीं बाकी होंगे तो वो मुट्ठी भर मदूदे चंद मुसलमान पाकिस्तान में होंगे, और अगर पाकिस्तान को 10% से ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है या पाकिस्तान अल्लाह ना करे तबाह होता है तो फिर तो इस्लाम ही नहीं रहेगा। अल्लाह का वादा है कि जिसने अल्लाह के ऊपर तवक्कल कर दिया अल्लाह ताला जरूर भी जरूर उसके लिए काफी हो जाएगा। मुसलमान अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान में आकर शामिल होने वाले पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के ऊपर तवक्कल करेंगे, अल्लाह के ऊपर आसरा करेंगे और अल्लाह के नाम लेकर इस जंग के अंदर कूद जाएंगे और फिर अल्लाह ताला भी अपना वादा पूरा करेगा। उमैया तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह जरूर उनके लिए काफी हो जाएगा, चाहे उन तादाद में कम हो, चाहे उनके पास वो वाली जरूरियात ना हो जो दुनिया के पास होंगी, लेकिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया की ताकतों के ऊपर पाकिस्तान को फतह अता फरमाएगा, हिंदुस्तान के ऊपर फतह अता फरमाएगा और पूरी दुनिया के ऊपर, ना सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी इंशाअल्लाह।